Hello student, I am Rani Dubey, your English teacher. Today we are going to study subject English, chapter 5, name is Health is Wealth. So open your book. Let's start now. Health is wealth. If health is lost, everything is lost. A sound mind lives in a sound body. Health brings happiness. A healthy man is always happy. A rich person can buy everything but not health. So we should learn some rules to be healthy and strong. स्वास्थ्य ही धन है, यदि स्वास्थ्य खो गया तो सब कुछ खो गया. एक स्वस्थ मन एक स्वस्थ तन में निवास करता है. स्वास्थ्य खुशियाँ लाता है. एक स्वस्थ व्यक्ति हमेशा खुश रहता है. एक धनी व्यक्ति सब कुछ खरीद सकता है किंतु स्वास्थ्य नहीं. इसलिए हमें स्वस्थ और मजबूत रहने के लिए कुछ नियम सीखने चाहिए. हाँ तो बच्चों, स्वास्थ्य क्या होता है? हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है. स्वास्थ्य से मतलब शरीर कभी बीमार ना पड़े, हेल्दी रहे, कोई उसी को हेल्थ कहते हैं, यानी कि स्वास्थ्य. तो हम कुछ नियम होते हैं स्वस्थ रहने के लिए, वो क्या नियम होते हैं आगे देखते हैं. क्लीनलीनेस इज़ गुड फॉर हेल्थ, यानी कि सफाई. क्लीनलीनेस ऑफ क्लोथ्स बॉडी एंड हाउस इज नेसेसरी. एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी शुड बी क्लीन्ड. लाइट एंड एयर आर नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ. वी शुड गो फॉर अ वॉक. वी शुड ब्रीद इन फ्रेश एयर. वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ प्योर वाटर. गुड फूड इज वेरी नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ. ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड मिल्क आर गुड फॉर हेल्थ. वी शुड टेक देम डेली. तो स्वच्छता यानी कि सफाई, क्लीनलीनेस क्या होती है? ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है. किस चीज़ के लिए? स्वस्थ रहने के लिए. घर भी हमारा साफ़ सुथरा होना चाहिए. तन यानी कि शरीर और कपड़ों की स्वच्छता ये आवश्यक है. शरीर का हर अंग स्वच्छ होना चाहिए. रोशनी और हवा अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है. हमें रोज़ सैर के लिए जाना चाहिए. सैर माने घूमने के लिए, वॉकिंग के लिए, वॉक करने. हमें ताज़ा हवा में सांस लेना चाहिए. ताज़ा हवा कहाँ मिलेगी हमको? जहाँ की अधिक से अधिक पेड़ पौधे होते हैं, हरियाली जहाँ होती है. हमें काफ़ी मात्रा में साफ पानी पीना चाहिए. अच्छा खाना अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है. अच्छा खाने से मतलब ताज़ा खाना हो, पिज़्ज़ा बर्गर ऐसी ये फास्ट फूड ना हो, और हल्का फुल्का खाना है जिस तरह के हमारे यहाँ चलता है, दाल चावल खिचड़ी दलिया, ये ताज़े बने हुए सामान, ये ही फ़ायदेमंद होते हैं, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं. हरी सब्जियाँ फल और दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं. हमें इन्हें रोज़ खाना चाहिए. क्या खाना चाहिए हमें? हरी सब्जियाँ फल दूध ये सारी चीज़ें खाना चाहिए. ये हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं. नेक्स्ट पेज. वी शुड टेक एक्सरसाइज रेगुलरली. वी शुड टेक रेस्ट एंड स्लीप वेल. यानी कि हमें क्या करना चाहिए? रोज़ाना नियमित एक्सरसाइज करना चाहिए और आराम करने के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए? अच्छी नींद लेना चाहिए, तभी रेस्ट होगा. वी शुड नेवर ओवर ईट. हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए. वी शुड ऑलवेज बी हैप्पी. हमें हमेशा खुश रहना चाहिए. वी शुड गिव अप अवर बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग. हमें हमारी बुरी आदतों को छोड़ना चाहिए. इफ़ वी हैव एनी, यदि हमारे अंदर ऐसी कोई बातें हैं, ख़राब आदतें, वी शुड
नॉट प्ले ऑल द टाइम, हमें हर समय सारा टाइम खेलने में ही नहीं बिताना चाहिए। वी शुड ऑल्सो नॉट स्टडी ऑल द टाइम, और हमें हर समय पढ़ते भी नहीं रहना चाहिए। वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, बैड हेल्थ इज कर्स, हमें हमेशा हमारे स्वास्थ्य की देखभाल करते रहना चाहिए। बुरा स्वास्थ्य क्या होता है, एक अभिशाप की तरह होता है। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट हेल्थ इज वेल्थ, हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि स्वास्थ्य ही धन है। जैसा कि बच्चों आपको क्लास में भी समझाया जाता है कि हमें बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए, कभी भी हमें गंदी आदतें सीखना ही नहीं चाहिए। इस बात का क्या मतलब है, हमें रोज़ व्यायाम करना चाहिए। हमारा शरीर और मन किससे अच्छा रहता है, व्यायाम करने से। हमें अच्छी नींद व आराम करना चाहिए, हमें ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। यदि कोई चीज़ मान लीजिए हमें खाने में अच्छी लग रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको ठूस ठूस करके खाएं। हमेशा नियमित खाना चाहिए, जितना हमारा जैसे पेट भर के हम मान लीजिए 4 रोटियां खा सकते हैं, तो हमें 3 रोटी ही खाना चाहिए, 1 रोटी कम ही खाना चाहिए, इससे हमारा हल्का फुल्का शरीर रहता है। हमें सदैव खुश रहना चाहिए। अगर हम में कुछ बुरी आदतें जैसे धूम्रपान करना, धूम्रपान मतलब स्मोकिंग, बीड़ी सिगरेट पीना, शराब पीना, यदि ये ऐसी आदतें हैं तो हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। हमें हर समय नहीं खेलना चाहिए, खेलना शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि हर समय खेल ही रहे हैं। इसी तरह से हमें हर वक्त पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पढ़ने का भी टाइम होता है। जैसे हम रेस्ट करके सुबह उठते हैं, सारी रात हम आराम करते हैं, अब यदि हम सुबह 2 घंटे पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। इसी तरह से शाम को खेलने के बाद, खाने के बाद, इसके बाद खेलें वो पढ़ें, इसलिए और 24 घंटे पढ़ते भी नहीं रहना चाहिए। हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, बुरा स्वास्थ्य एक अभिशाप है। हमें हमेशा स्वास्थ्य ही धन है, ये बात याद रखना चाहिए। सबसे बड़ा धन क्या है, हमारा स्वस्थ शरीर। यदि हम स्वस्थ हैं तो समझिए कि हम ही दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। मतलब वोकैबुलरी, हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य ही धन है। हैप्पी यानी कि प्रसन्न, HAPPY, हैप्पी, हैप्पी मीन्स प्रसन्न। रूल RULE, रूल यानी नियम। इसी तरह से HEALTH Y, हेल्दी, हेल्दी माने स्वस्थ। STRONG, स्ट्रॉन्ग यानी कि बलवान। क्लीनलीनेस CLEANLINESS, क्लीनलीनेस यानी कि सफाई। बॉडी BODY, बॉडी यानी शरीर। LIGHT, लाइट, लाइट मीन्स प्रकाश। NECESSARY, नेसेसरी, नेसेसरी मीन्स आवश्यक। PURE, प्योर, प्योर मीन्स शुद्ध। प्लेंटी PLENTY, प्लेंटी माना काफ़ी। एसेंशियल यानी कि जो ज़रूरी हो। ESSENTIAL, वेजिटेबल्स VEGETABLES, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियाँ। FRUIT, फ्रूट मीन्स फल। एक्सरसाइज EXERCISE, एक्सरसाइज मीन्स व्यायाम। SLEEP, स्लीप माने सोना। CARE, केयर, केयर मीन्स सावधानी। STUDY, स्टडी यानी अध्ययन करना। LOST, लॉस्ट यानी खोया। SOUND, साउंड यानी स्वस्थ। साउंड माने स्वस्थ, जैसे साउंड क्या बताया है उसमें, साउंड माइंड और साउंड बॉडी, यानी कि स्वस्थ मन और स्वस्थ तन। माइंड यानी मस्तिष्क।
ब्यूटी बट मीन्स लेकिन, ब्रीद बी आर ई ए टी एच ब्रीद माना सांस लेना, गेट अप गिव अप जी आई वी ई गिव यू पी अप गिव अप माने त्यागना यानी छोड़ देना चाहिए छोड़ना, आर ई जी यू एल ए आर एल वाई रेगुलरली यानी कि नियमित रूप से, कर्श सी यू आर एस ई कर्श यानी अभिशाप, हैबिट एच ए वी आई टी हैबिट हैबिट मीन्स आदत, ऑलवेज ए एल डब्ल्यू ए वाई एस ऑलवेज माने हमेशा, रिमेंबर आर ई एम ई एम बी ई आर रिमेंबर यानी याद रखना, स्मोकिंग एस एम ओ के आई एन जी स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान करना, ड्रिंकिंग डी आर आई एन के आई एन जी ड्रिंकिंग यानी शराब पीना, डेली डी ए आई एल वाई डेली डेली यानी रोजाना, ओवर ईट ओ वी ई आर ई ए टी ओवर ईट यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा खाना, ग्रो विद ग्रामर नंबर्स यानी कि बचन, वेजिटेबल यानी कि सब्जी और इसको हम प्लूरल नंबर में वेजिटेबल्स इसमें एस ऐड कर देंगे वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, बॉडी बी ओ डी वाई बॉडी यानी शरीर, जैसा कि आपको ग्रामर में समझाया कि जब हम प्लूरल बनाते हैं तो उसमें वाई के स्थान पर आई ई एस लगा देते हैं तो ये बॉडीज हो जाएगा अनेक शरीर, हैबिट यानी कि आदत उसमें एस और ऐड कर देंगे तो हैबिट्स हो जाएगा आदतें, इसी तरह से नेक्स्ट है क्लोथ माना कपड़ा और क्लोथ्स माने कपड़े हो जाएंगे, फ्रूट यानी कि फल और फ्रूट्स उसमें एस जुड़ जाएगा तो ये अनेक फल हो जाएंगे, इसी तरह रूल इसमें एस ऐड हो जाएगा तो रूल्स यानी कि ज़्यादा नियम, तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया होगा, इसको आप बार बार पढ़ें, थैंक यू।